इस बार तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई पुत्र। शब्द इस बात को कभी नहीं अपनाएगा। तू देखना, वो कल के कल हमारी बच्ची को हमारे घर में वापस लेकर आएगा। कि वो ये बात जान पाएगा तो इस घर में तुम दोनों की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आने वाला है। अरे ताई जी कैसे हैं आप? अरे मेरी बच्चियां कहाँ हैं? सो रही हैं क्या? अरे उन्हें कह दो कि पापा वापस आ गए। देखो मैं उनके लिए क्या क्या लेके आया हूं। क्या हो गया ताई जी? आप लोगों के चेहरे ऐसे लटके हुए क्यों हैं? क्या बात है, कोई बताएगा मुझे? माही, अरे कोई बताएगा क्या हुआ है? मुझे खामखा की टेंशन हो रही है, बताओ ना क्या हुआ? अरे कोई तो बताओ क्या हो रहा है ताई जी? तो ये न्यूज़ यहां तक भी पहुंच गई कि हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। ये न्यूज़ को लेके आप लोग परेशान हैं? अरे ये सिर्फ तो होते रहता है बिजनेस में, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। कभी डील मिलती है, कभी डील नहीं मिलती। मुझे तो कोई भी न्यूज़ निराश नहीं कर सकती कि मेरे साथ मेरे दो बच्चियां जो हैं, मेरी लकी चाम। अरे आप लोग देखना, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं मुझे। मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी खुशियां हैं, मैं उन्हें एंजॉय करना चाहता हूं। जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दिस। अभी मैं बोलते रहूंगा कि कोई मुझे बच्चों से मिलाएगा भी। शतपुत्र, तू अपने कमरे में जाकर अपनी बच्चियों को अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेता? कम ऑन, ये देखो कितने प्यारे तोहफे लाए। My little angels, hi, देखो पापा वापस आ गए। ओ मुझे देख के स्माइल कर रही है। तुम्हें पता चल गया पापा वापस आ गए? मैं ना तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लाया हूँ, बहुत सारे। टेडी बेयर लाया हूँ, खिलौने लाया हूँ और तुम्हारी बहन के। अरे तुम्हारी बहन कहाँ है? माही, दूसरी बेटी कहाँ है? कहाँ है वो? सो रही है क्या? हाँ, दूसरे कमरे में सो रही होगी ना तुम्हारी बहन। देखो मैं उसके लिए क्या क्या प्यारे खिलौने लेके आया हूँ, तो उसके साथ खेलना है मुझे। कहाँ है बताओ ना। माही बताओ ना कहाँ है वो? दूसरे कमरे में सो रही है ना? अरे कोई कुछ बोलता ही नहीं है। अरे माई मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है उसे दूसरे कमरे में मत छोड़ा करो, मैं अभी लेके आऊंगा। शतपुत्र, तेरी बच्ची इस घर में नहीं है। क्या? तो कहाँ है वो? सोनी के घर। मासी के साथ खेलने गई है ना? मेरी बहन मासी की चाहे खेलने गई है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता तुम्हारे लिए क्या क्या खिलौने लेके आया हूँ। देखो ताई जी आप भी देख लो, मैं इसके लिए ना इतनी प्यारी सी गुड़िया लेके आया हूँ ना, आप यकीन नहीं करेंगे। अरे माही
कुछ घंटे के लिए तो ठीक है, लेकिन इतने देर तक वहां पर छोड़ना अकेले? नहीं पुत्र, कुछ घंटों के लिए नहीं, हमेशा के लिए गई। क्या हमेशा? माई ये क्या कह रही है? तुम लोग सीधे सीधे बताओ ना, क्या हो रहा है? ये घुमा फिरा के क्या बातें कर रहे हो तुम? बताओ माई। अरे बोलो। जब मैंने हमारी एक बच्ची हमेशा के लिए सोनी को दे दी, क्या कह रहे हैं तुमने? तुमने हमारी बच्ची सोनी को हमेशा? ये सच है? ये झूठ है ना माई? यार नहीं शब, यही सच है। मैंने हमेशा के लिए हमारी एक बच्ची सोनी की गोद में रख दी। आज हमारी जिंदगी में ये दो ननी परियां सिर्फ सोनी की वजह से। जब अगर उस दिन आकर सोनी मुझे नहीं बचाती तो आज ये खुशी हमारे पास नहीं होती। और जब जिस इंसान ने मुझे इतनी खुशियां दी, उसने अपना बच्चा मेरी वजह से खोया। जब मैं अपनी बहन को और दुखी नहीं देख सकती, आज उसका ही हाल मेरी वजह से। जानते हो आप वो क्या करने जा रही? वो अपने पति की दूसरी शादी करवाना चाहती। वो मर जाएगी शब, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं जानती हूँ शब, हमारे पास यहाँ दो बच्चे हैं। अगर हमारे घर हमारे परिवार में एक बच्ची भी रही तो हमारी खुशी उतनी कम नहीं होगी जितनी अगर हमने एक बच्ची उसे दे दी। शब्द उसकी खुशी बहुत बढ़ जाए। शब, आप मेरी जगह रहते ना तो आप भी वही करते। बस करो भाई, मैं तुम्हारी जगह नहीं रह सकता। ये क्या कह रही हो तुम? मैं अपनी बच्ची कभी किसी को नहीं दे सकता। तुमने हमारी बच्ची को किसी और को दे दिया? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, सोनी की वजह से हमारी बच्चियां सफर नहीं करेगी। बिना सोचे समझे तुम्हारी बच्ची किसी और को दे दी? ये कोई खिलौना है? लेन देन का सवाल है कि वो दुखी है तो उसे जाके दे दो। कैसी माँ हो तुम? कोई और नहीं, सोनी थी शब। आई डोंट केयर वो कौन थी। तुमने मुझे पूछे बेकार, ये फैसला कैसे लिया? ये मेरी बच्चियां हैं, मैं इनका बाप हूं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो घर लौट रहा था इनके साथ खेलने के लिए। मुझे तुमने क्या कर दिया माए? तुझे पूछा था? मुझे पूछा तक नहीं तुमने। कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ यार? कैसे कर सकती? गॉड डैम इट, तुमने मेरा बच्चा कैसे दे दिया किसी और को? मुझे कुछ मेरी बच्ची कैसे दे दी तूने? मेरी बच्ची किसी और के साथ? पहले आप शांत हो जाएं। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हूँ। मुझे आपसे पूछे बगैर हमारी बच्ची कभी नहीं देनी चाहिए। एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे। आपको क्या लगता है मैंने अपने हाथों से अपनी बच्ची सोनी के हाथों में दे दी? आप सोच भी नहीं सकते मुझे
कितना दर्द हो रहा था, कितनी तकलीफ हो रही थी अपनी अपनी बच्ची को देते हो। लेकिन जानते हैं, सोनी की तकलीफ के सामने मेरी तकलीफ बहुत छोटी थी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। ठीक कह रही हो तुम, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। चलो मेरे साथ। मतलब कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी गलती सुधारने चलो। दारजी चाय दे नाल कुछ लोगे लेके आमा। ओए मोनी सुखी चाय पी की नहीं पी? ओए किन्ना काम कर दे हो तुसी दोनों, कुछ खा पी भी लिया करो। जी बाद में पी लेंगे। दारजी पम्मी जी आपने हम पर बहुत उपकार किए हैं, इतना तो कोई अपनों के लिए कभी करता ही नहीं। इस घर में जगह दी, इज्जत दी, प्यार दिया, बदले में मैं आपको कुछ दे नहीं सकती, लेकिन आपका धन्यवाद जरूर अदा करना चाहूंगी। बी क्या हो गया तुझे, ये कैसी बातें कर रही है, हैं? बुरा मत मानिए, मैं यहां से निकलकर कहीं और जाना चाहती हूं। कल? जी मैंने एक छोटा सा घर देखा है, थोड़ा बहुत पैसा भी कमा रही हूं। अब वक्त आ गया है मेरे बच्चों के लिए मायका बनाने के लिए, और मैं अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ। घर बहुत छोटा है लेकिन मायके के लिए बहुत बड़ा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, आपकी वजह से मैं यहाँ तक आ पाई। अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत करनी है, बस मैं यही कहने आई हूँ कल मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कल? जी लेकिन पम्मी जी धार जी मैं आप लोगों को कभी जिंदगी में भूल नहीं सकती, आपका बहुत उपकार है मुझ पर। दुकानें घूम घूम के हम थक गए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुछ खरीदा ही नहीं हमने। क्यों जीते? बिल्कुल पापा, मामा हमें तो वहाँ पे सारे कपड़े बहुत पसंद आ रहे थे। ये जीता मुझसे पूछने लगा पापा पूरी दुकान ही खरीद लें। ओफ मैं क्या जी, आप चुप रहोगे, मुझे सामान देखने दो। ओहो देखो ना, ओ जीते दिखा ना। यस पापा। मामा देखिए ये कपड़े हैं घर में पहनने के, ये हैं बाहर के कपड़े, और ये है नाइट ड्रेस। मामा सॉक्स जैकेट्स लंगोट डायपर मैं सब कुछ लेकर आया। जीते ये क्या रखा है तूने पीछे इसमें? अरे ये मेरी सबसे फेवरेट पेयर है, ये देखो। अरे वाह ये तो बड़ा ही खूबसूरत है। ये मेरी चॉइस है मामा। ओए जीते ये मेरी चॉइस है, तू झूठ कब से बोलने लग गया है? अरे नहीं नहीं पापा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। आप तो वो डार्क ब्लू कलर की ड्रेस सिलेक्ट कर रहे थे, मैंने कहा था कि इस पिंक ड्रेस में मेरी बेटी प्रिंसेस लगेगी। ओए 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 मेरी चॉइस के साथ साथ मेरे शब्दों को भी चुरा रहा है तू, ये बड़ी गलत गाल है। हाँ देखो मामा आप समझा लीजिए। अरे बस 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 अगली बार मैं जाऊंगी बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए, मेरी प्यारी सी परी के लिए मैं सारी चीजें लेकर आऊंगी। डन मामा। हाय शब, हम तो बस शब्द पुत्र क्या बात है? हम सिर्फ यहां हमारी बच्ची लेने आए हैं। कहां है वो? Thank you.
हे भगवान, मुझे ये आशीर्वाद देने के लिए शुक्रिया। शायद मेरी सबसे बड़ी इच्छा आपने पूरी की है, बस अब इसे आशीर्वाद दीजिए। रुको शब्द, शब्द समझने की कोशिश करो। जल्दबाजी में आकर, जोश में आकर कोई डिसीजन मत लो। अपने बच्चे को वापस ले जाना जल्दबाजी नहीं है। शब्द मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सोनी को थोड़ा सा वक्त दे दो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ अपनी बच्ची चाहिए। देखिए प्लीज, पहले मुझे सोनी से बात करने दीजिए। शब, माही, तुम दोनों को यहां देखकर बहुत अच्छा लगा। देखो सोनी, माही से बहुत बड़ी गलती हुई है, हम इस तरह अपनी बच्ची को नहीं दे सकते। प्लीज तुम बच्ची को वापस कर दो।